जब किस गिंधा पर आए तो मगर बात लंका जलने की प्रभु को नहीं बताए। तो जाब मत तब हाल बहा का सब रघुवर को बतलाए। तो रघुवर बोले हनुमान क्यों इनकी लंका दई जलाए। क्या वजह कि हमने माना भरपूर है। हमने माना हम पर साजन अरे जो बनवा भरपूर है। तो महिमा राम की तो ई तो महिमा राम की वह हमरा का कसूर है। ई तो महिमा राम भरपूर है। ये तो महिमा ये तो महिमा राम की हमरा का कसूर है। तो महिमा तब जब भगवान राम ने कहा हनुमान तुमने लंका काहे जला दी तो बोले स्वामी इसमें मेरा कोई कष्ट नहीं मतलब मेरा कोई कार्य करने की वो नहीं है। लंका जली तो जली कैसे सुनिए स्वामी जली कहने लगे हमने माना हमसे स्वामी जरूर है। दादाजी 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 सुन लीजिए शब्दों को सुनिएगा केवल। हाँ ये लोहे के चने हैं ये बथुआ का रायता नहीं है चाचा। सन्नाटा हमने माना हमसे स्वामी अरे लंका जली जरूर है। ऐ प्रभु ई तो महिमा आपकी। राम से कहा कि प्रभु ई तो महिमा आपकी इमा हमरा का कसूर है। ये तो महिमा आपकी इमा हमरा का कसूर है। हंसते खेलते गाओ कोई चिंता नहीं है बात कोई खतरनाक नहीं है। हमने माना हमसे स्वामी और वो लंका जली जरूर है। तो ई तो महिमा आपकी अरे ई तो महिमा आपकी इमा हमरा का कसूर है। ई तो अब सुनिए
पागल हो जाओगे। लंका के जलने से जो भी वहां पर बड़े दादा संजय सिंह राठौर जी सुनेगा कहने लगे ऐ स्वामी ये मटर का तहरीका सर है मुकेश भैया लंका के जलने से जो भी स्वर्ण से काम निकलता था और धू धू की धुन नहीं बहा पर केवल उस समय जब मैं लंका जला करके चला तो मेरे मुख से सुनिए सुनाइए कि मेरे मुख से स्वयं उस समय बस आपका नाम निकलता था चंद्र भगवान की जय श्री राम मेरे हर का रज में स्वामी अरे बस राम नाम का नूर है ये तो महिमा आपकी ये तो महिमा आपकी ये हमरा का कसूर पावन आशीर्वाद श्री राम कुमार तिवारी जी की ओर से आया है। दादाजी आशीर्वाद की कामना करता हूँ क्योंकि आपका बच्चा हूँ और आप लोगों के ही आशीर्वाद से आगे आपका नाम रोशन करूंगा, चिंता ना करें। अब सुनिए दूसरी बात, दादा दूसरी बात सुनेगा, कहा कि आपके बल और पौरुष की है कहाँ से ढूंढ के लाए जो पकड़ो बे ना छुओगे लला जाए कहूँ सुनाओ हमारा घंटाघर बहुत जोर से तोड़ता है जे घड़ी चल रही घड़ी क्या वजह है इक्कीस रुपए का पावन आशीर्वाद अमित कुमार पांडे जी की ओर से आया है और कहा क्या
कि आपके बल और पौरुष की होती मुझ में धीरता नहीं, और लंका में स्वामी लंका में सूरों का सीना स्वामी सत प्रतिशत चीरता नहीं, क्योंकि अपने बल का भगवान अब तक मुझको बिल्कुल पता नहीं, और ये सब आपके चरणों का प्रताप है, मेरी वीरता नहीं, क्योंकि के राम नाम की महिमा सारी अरे दुनिया में मशहूर है, महिमा आपकी ये तो महिमा आपकी हमारा कसूर है, ये तो महिमा अंतिम पंक्ति की ओर चलते हैं। चलो पाला जी सुनिएगा, ध्यान दीजिए, हाँ।
जी, राजवीर जी बस प्रयास है, सुनिए कहना है। बहुत आराम से गाइए बेटा। हमने कसूर है। बढ़िया बात, बढ़िया पंक्तियाँ। अब देखिए प्रयास है, सुनिएगा कहना क्या है। कहना है एक बार के मारुति नंदन जग में बंदन है। तो श्री राम जी शिकायत कर रहे हैं कि हनुमान जी तुमने लंका क्यों जलाई, तो उन्होंने कहा कि ये सब आपकी कृपा है प्रभु जो लंका जल गई। अब देखिए देखिए इधर इधर प्रसंग लाने का प्रयास है। एक माला विभीषण ने भगवान श्री राम को दी और भगवान श्री राम ने उस माला को सीता मैया को दे दिया। प्रसंग पर भी ध्यान रखा जाए, मणियों की माला। और जब उस मणि की माला को सीता मैया ने लिया तो उन्होंने उस माला को हनुमान जी को दे दिया। अब जब हनुमान जी के हाथ में वो माला आई तो वो उस माला को देख रहे हैं और तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हैं। तो देखिए प्रसंग मैंने वहीं से लिया। पंक्तियाँ क्या कह रही है सुनिए, राजवीर जी सुनिएगा कहना है। मारुति नंदन जग में बंदन, मारुति नंदन जग में बंदन, होना तेरा जरूर है। जब मरिया वो माला तोड़कर मोतियां फेंकने लगे हनुमान जी, तो श्री राम ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो हनुमान जी बोले कि प्रभु श्री राम इसमें आप नहीं दिख रहे हो, इसमें मुझे आप नहीं दिख रहे हो, इसलिए मैं ये मणि की माला फेंक रहा हूँ। तो भगवान श्री राम जान गए कि इस भक्त से पार पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री राम, कहते हैं कि मारुति नंदन जग में बंदन, मारुति नंदन जग में बंदन, होना तेरा जरूर है। तो दुनिया सारी जान रही, इसको जरा देख लीजिए, क्योंकि तुझसे बड़ा भक्त कोई हो ही नहीं सकता। एक बार का प्रसंग है, छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताऊंगी जरूर, क्योंकि वो प्रसंग मुझे बहुत प्रिय है। एक बार भगवान श्री राम एक डायरी या यूं कह लीजिए अपना वही खाता लिए बैठे थे, उसमें सभी भक्तों का नाम था। भगवान श्री राम उसमें सभी भक्तों के नाम लिखे बैठे थे। तो देखिए नारद जी वहां गए और कहने लगे भगवान श्री राम,
प्रभु ये क्या है? तो भगवान श्री राम ने कहा कि इसमें हमारे उन सभी भक्तों का नाम है जो मुझको, जो मुझे याद करते हैं। उन सभी भक्तों का नाम है जो मुझे याद करते हैं। तो नारद जी बड़े उत्साहित होकर कहने लगे, प्रभु मुझको भी दिखाओ। तो उसमें नारद जी का नाम सबसे ऊपर लिखा था। भैया जी, सबसे ऊपर नारद जी का नाम सबसे ऊपर लिखा था। और ये देखकर नारद जी बड़े प्रफुल्लित हो गए और खुश होकर चल दिए। और जब जा रहे थे तो उनको रास्ते में हनुमान जी मिल गए। और जब हनुमान जी मिल गए तो उन्होंने बड़े खुश होकर कहा, नारद जी ने हनुमान जी से, कि ए हनुमान जी, देखिए देखिए तुम बहुत भक्त बनते हो भगवान श्री राम के, लेकिन प्रभु श्री राम ने अपने भक्तों में सबसे पहला नाम मेरा लिख रखा है। इतना सुनते ही भगवान प्रभु, या यूं कहिए कि हनुमान जी दुखी हो गए और दौड़कर प्रभु श्री राम के पास गए और कहने लगे कि प्रभु ऐसा क्यों, आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिखा? क्या मैं अछूता रह गया इस प्रेम से? तो श्री राम जी बोले, नहीं हनुमान जी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें उन भक्तों का नाम है जो मुझे याद करते हैं, और तुम तो ऐसे भक्त हो कि तुम्हें मैं याद करता हूँ। तुम तो ऐसे भक्त हो कि तुम्हें मैं याद करता हूँ, तो तुम इन गिनतियों से दूर हो, इन गिनतियों से परे हो। लाइन आई के दुनिया सारी जान रही, दुनिया सारी जान रही, तू मेरी आंखों का नूर है। पहली पंक्तियां सुनिएगा, कहा मणिमुक्ताओं की माला, मणिमुक्ताओं की माला, कैसे मैं ये स्वीकार करूं? अरे स्वामी, नहीं काम की है ये मेरे, नहीं काम की है ये मेरे, कैसे मैं तिरस्कार करूं? ये मेरे काम की तो नहीं है, लेकिन ये प्रभु श्री राम की दी हुई है, तो मैं इसका तिरस्कार भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए कहा, मैं हूँ उनसे वो है मेरे, मैं हूँ उनसे वो है मेरे, नैनों का मेरे नूर है। हनुमान जी कहते हैं, मैं हूँ उनसे वो है मेरे, नैनों का मेरे नूर है। सारी दुनिया जान रही, सारी दुनिया जान रही, मेरी आंखों का नूर है। दूजी बात देखिए कह क्या रहे हैं, सुनिएगा। के राम रमे हैं मेरे उर में, राम रमे हैं मेरे उर में, राम राम मेरा राम है। राम काज हित जन्म है पाया, राम काज हित जन्म है पाया, रहूं जहां मेरे राम है, रहूं जहां मेरे राम है, रहूं जहां मेरे राम है। राम के काज के लिए ही मैंने ये जन्म पाया है, तो जहां मेरे प्रभु श्री राम, मैं वहीं पर रहूंगा। रोम रोम में राम है और मेरे रोम रोम में राम बसे हुए हैं। इसलिए काहे
अब देखिए जब माले में उस मनके में भगवान श्री राम का नहीं नाम मिला तो भगवान श्री राम कहने लगे वहां पर बैठे सभी सभी अब देखिए लोगों ने उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया तो देखिए उनको इस बात के लिए चिढ़ाया गया तो हनुमान जी ने कहा ये क्या चीज है भगवान जब कणकण में है प्रभु मेरे श्री राम कणकण में है तो मैं कणकण में तो खुद ही भ्रमण कर लेता हूँ लेकिन देखिए देखना चाहते हो देखिए प्रभु श्री राम है कहाँ और जब जब उतना उन्होंने कहा तो देखिए किया क्या उन्होंने सुनिए कहना है फाड़ दिया है अपना सीना दुनिया झांके जाती है अब उन्होंने अपने सीने को चीर दिया कहने लगे प्रभु श्री राम तो मेरे रोम रोम में है मेरा अंग काट लीजिए ये तन देख लीजिए ये सीना चीर लीजिए प्रभु मेरे श्री राम मेरे सीने में बसते हैं कहने लगे दिया है अपना सीना दुनिया झांके झांकी है दुनिया झांके झांकी है और रमा के साथ में राम विराजे रमा के साथ में राम विराजे सूरत प्यारी माँ की है सूरत प्यारी माँ की है जब प्यारी सूरत सबने निहारी उस झांकी को सबने निहारा तो देखिए दृश्य कैसा है कितना प्यारा दृश्य है दीप जलाया मैंने जिसका दीप जलाया मैंने जिसका कोई नहीं सब लोगों ने भगवान श्री राम के जय जयकारे किए और भक्त हनुमान के जयकारे लगाए तो देखिए हुआ हुआ क्या उस दरबार में दीप जलाया मैंने जिसका कोई नहीं कसूर है तो दुनिया जिसको जान रही दुनिया सारी जान रही तू आंखों का दुनिया सारी जान रही दुनिया सारी जान रही सारी जान रही मेरी आंखों का नूर है